चुनी चिड़िया के दो बच्चे थे और उसके पति की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। वो एक अच्छा बिजनेसमैन था। उसने कुछ पैसे जमा किए थे जो कि 2 साल में टूनी चिड़िया ने खत्म कर दिए, क्योंकि टूनी चिड़िया को स्कूल में बच्चों की फीस और ट्यूशन फीस भी देनी पड़ती थी और घर का राशन भी लाना होता था 2 साल के बाद। माँ, स्कूल से कोई लेटर मिला है, ये देखो। टूनी लेटर को देखती है और पढ़ती है। टूनी चिड़िया लेटर पढ़कर परेशान हो जाती है और उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आप ऐसे परेशान क्यों हो गई, लेटर पढ़कर ऐसा भी क्या लिखा है? बेटा, तुम्हारे स्कूल से लेटर आया है कि जल्द से जल्द तुम्हारी फीस दे दी जाए, नहीं तो स्कूल से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। माँ, क्या हमें स्कूल से बाहर निकाल देंगे? नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। इतने सारे दोस्तों को मैं छोड़ूंगा थोड़ी, मैं किसी और स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं इसी स्कूल में जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम जरूर करूंगी। टूनी की बेटी थोड़ी बड़ी होती है और समझदार होती है और अपनी माँ को एक आइडिया देती है। माँ, क्यों ना हम चाय का ठेला खोलें, वो हमारे स्कूल के बाहर एक चाचा बैठते हैं, वो बहुत पैसे कमाते हैं चाय से। अरे टुनटुनी बेटा, मैं चाय का काम कैसे करूँगी? अरे माँ क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पर बेटा, जो तुम्हारे स्कूल के बाहर है वो एक मर्द है और मैं एक स्त्री हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी देखभाल भी कैसे करूँगी, तुम खुद सोचो। टुनटुनी अपनी माँ को समझाती है और कहती है, अरे माँ तुम भी ना, तुम देखो अपने बच्चों में कभी तुमने फर्क किया है लड़का लड़की में? और आज तुम उस काका के बारे में बोल रही हो, वो मर्द है और तुम औरत हो। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो माँ, अपनी हिम्मत को बढ़ाओ और आगे बढ़ो, मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी, हम कल से ही इसकी शुरुआत कर देंगे। टुनटुनी की माँ टूनी को मोटिवेशन मिलता है और कल के लिए वो तैयार हो जाती है और टुनटुनी से कहती है, अरे मेरी टुनटुनी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तुम तो मुझसे भी अच्छी बातें करती हो बेटा। क्यों नहीं माँ, इतने अच्छे स्कूल में तुमने पढ़ाया है, इतना सब तो सीखूंगी ना। टूनी ने आज चाय का ठेला खोल लिया होता है और उसके पास ग्राहक आते जाते हैं। टूनी को कहीं ना कहीं शर्म भी महसूस हो रही थी, पर कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी, क्योंकि वो आज पहली बार चाय बेच रही थी और उसकी कमाई अच्छी हो रही थी। चलो अच्छा है, कोई तो काम चला, टुनटुनी ने मुझे सही समय पर सही सलाह दी, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। कुछ समय बाद टुनटुनी भी स्कूल से वापस आ जाती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? पहला दिन था, उम्मीद है कि अच्छा गया होगा। बेटा बहुत अच्छा गया दिन, मुझे सुबह शर्म आ रही थी पर अब मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे ग्राहक आ रहे हैं वैसे वैसे मेरी मोटिवेशन और बढ़ रही है। देखा माँ, यही तो कमाल है, जब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलती तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कभी कभी हमें लोगों से सलाह ले लेनी चाहिए। अरे हाँ बेटा, मेरी टुनटुनी समझदार बेटी है ना मेरे पास मुझे समझाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। इसी बीच टुनटुनी का बेटा भी वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे माँ मुझे भूल गए क्या? अरे नहीं बेटा, तुझे कैसे भूल जाए, चल आजा चाय पीते हैं साथ में मिलकर। इन तीनों को साथ में चाय पीते देख सामने से एक अमीर कलुआ कौआ आता है और कहता है, बहन टूनी, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहोगी? मेरा एक होटल है और एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर एक महिला की जरूरत है और तुम्हें महीने का 30,000 मिलेगा। टूनी स्माइल करती है और टुनटुनी को देखती है, आपका ये रेस्टोरेंट कहाँ पर है भाई साहब? अरे ये सामने आपको दिख रहा है ना, बड़ा सा। अच्छा, तो आप इस होटल के मालिक हैं? हाँ बहन, ये मेरा ही है। आज सुबह से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था, तुम बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से काम कर रही हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट या मेरे होटल में तुम जैसी समझदार चिड़िया आ जाए तो मेरा व्यापार और अच्छे से चलेगा।
अरे ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे इंसान से मिलने का मौका मिला और मैं आपके रेस्टोरेंट में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। ये कहकर कलुआ कौआ वहाँ से चला जाता है और पीछे से टूनी टुनटुनी और उसका बेटा बहुत खुश होते हैं और आपस में झूमते गाते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर काम के लिए मेहनत करनी होती है और मेहनत का फल मीठा होता है।